मेरे पास एक गाड़ी है। इस गाड़ी में दो डीसी मोटर लगी हैं और इन मोटर्स के साथ ये इनमें पहिए अटैच्ड हैं। और ये सिंपल डीसी मोटर है, पर ये लिटिल बिट्स के किट में अपने कंट्रोलर्स के साथ आती हैं। अब अगर मैं इन दोनों डीसी मोटर्स में करंट जो है वो सप्लाई करता हूँ, तो ये जो मेरी गाड़ी है ये चलना शुरू कर देती है। और आपने देखा होगा कि डीसी मोटर्स में अगर हम जो पोलैरिटी है प्लस माइनस को उल्टा कर देते हैं, तो जो मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज चलनी शुरू हो जाती है, या क्लॉकवाइज चल रही होती है तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रही होती है तो क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये कंट्रोल करने के लिए मेरे पास ये स्विचेस हैं। अगर मैं इनकी डायरेक्शन बदल रहा हूँ तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, केवल पोलैरिटी फ्लिप करके मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि अब ये गाड़ी जो है ये रिवर्स में चल रही है। पर मान लिया जाए हमारे को गाड़ी को मोड़ना था, लेफ्ट या राइट टर्न करना था, तो वो भी बहुत सरल है। अगर हम एक मोटर में करंट देते हैं, दूसरी पे नहीं देते हैं, तो हमारी गाड़ी जो है वो उसकी उल्टी डायरेक्शन में अपने आप मुड़नी शुरू हो जाती है। इस वक्त हम इस मोटर में करंट दे रहे हैं और इस मोटर में करंट नहीं दे रहे हैं, तो ये जो गाड़ी है ये राइट की तरफ मुड़ रही है। अब अगर मैं दूसरी मोटर में करंट देता हूँ, तो ये जो गाड़ी है ये अब उल्टी डायरेक्शन में मुड़नी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर हमारे पास दो मोटर्स हैं, अगर हम उन दो मोटर्स की पोलैरिटी बदलते हैं, तो हम उसको इस गाड़ी को फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकते हैं। और अगर हम एक गाड़ी एक मोटर में करंट देते हैं, दूसरी में नहीं, तो हम उसको मोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम एक मोटर में ज़्यादा करंट देते हैं कि वो ज़्यादा तेज चले और दूसरी थोड़ी हल्की चले, तो हम गाड़ी को महीन तरीके से मोड़ सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो कितने एंगल में मुड़ेगी गाड़ी। अब अगर हम जो हम पहले बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की एक सरल परिभाषा है कि एक सर्किट दूसरे सर्किट को कंट्रोल करता है, तो अब इसी सर्किट में जहाँ हमारे पास दो डीसी मोटर हैं, हम अगर एक पुश बटन स्विच लगा देते हैं, तो हमारा सर्किट अब तब चलेगा जब हमारी ये जो कार है ये तब चलेगी जब हम पुश बटन को ऑन करेंगे। और इसी तरह से अगर हमारे को इसकी स्पीड कंट्रोल करनी है, तो हम इसमें पुश बटन स्विच के बदले वेरिएबल रेजिस्टेंस स्विच डाल देते हैं और हम गाड़ी को जो है गाड़ी की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि अगर हम दो वेरिएबल रेजिस्टेंस के स्विच लगाते और हम कहते कि राइट वाली मोटर को ज़्यादा करंट दो, लेफ्ट को कम दो, तो हम गाड़ी किस तरीके से मुड़ेगी, कितना टर्न लेगी, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी सर्किट को अगर हम बात कर रहे हैं कि अभी तो ये एक कार है, अब इसी कार को अगर हमारे को आरसी कार बनाना है, रिमोट कंट्रोल कार बनाना है, तो जैसे वही हम एक आईआर सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर इसमें लगा रहे हैं, और जैसे ही हमने इंफ्रारेड सेंसर लगाया, तो हम अब इस कार को कंट्रोल कर सकते हैं एक रिमोट से। पर अभी हम इस गाड़ी में केवल कंट्रोल केवल कर पा रहे हैं ऑन या ऑफ। तो ये रिमोट भी है, ये जो रिमोट है ये ऑलमोस्ट जो पुश बटन स्विच की तरह ही काम कर रहा है, कि जब मैंने दबाया तब गाड़ी चलेगी, मोटर्स चलेंगी, और जब नहीं छोड़ा तो वो रुक जाएंगी। पर अगर हमारे को इस गाड़ी को इस तरीके से चलाना होता कि हम कहते कि फॉरवर्ड का स्विच दबाओ रिमोट में तो वो फॉरवर्ड चले, रिवर्स चलाओ तो रिवर्स चले, लेफ्ट एंड राइट चले, तो उसके लिए फिर हमारे को इस सर्किट में कोई एक कंप्यूटर ऐड करना पड़ता, और उस कंप्यूटर को हम प्रोग्राम करके कह सकते थे कि ये गाड़ी कैसे चलेगी। ये हम आगे जाके देखेंगे। पर आज के जो एक और जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये माइक्रो कंट्रोलर्स आ गए हैं। ये मेरे पास आर्डुइनो का बोर्ड है, और आज के दिन बहुत किस्म के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। आर्डुइनो है, रास्पबेरी पाई है, बीबीसी माइक्रोबिट है, और भी कई सारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर्स को जब हम अगर इस सर्किट में ऐड करेंगे, तो हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि कौन सा बटन रिमोट में चले तो कौन सी मोटर को कितना करंट जाए। जो हमने अभी देखा था कि बहुत सरल बात है कि
गाड़ी फॉरवर्ड चलानी है या रिवर्स चलानी है तो केवल हमारे को मोटर्स की पोलैरिटी को फ्लिप करना है। अगर हमारे को गाड़ी को लेफ्ट या राइट मोड़ना है तो हमारे को एक मोटर में ज़्यादा करंट और दूसरे में कम करंट देना है। पर ये सब बातें हम इस सर्किट में कैसे डालेंगे, तो हम एक तरीका है कि हम इसमें ये माइक्रो कंट्रोलर लगाएं और माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा इस किस्म का एक प्रोग्राम लिख दें कि कौन सा रिमोट में कौन सा बटन दबे तो कौन सी मोटर को कितना करंट मिले। और इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इस इंफ्रारेड कंट्रोल के बदले इस इसी सर्किट में साउंड सेंसर लगाता हूं, तो मेरे पास मेरी अब ये जो गाड़ी है ये साउंड कंट्रोल कार बन जाती है। और इसी तरीके से अगर मैं इसमें लाइट सेंसर लगाता हूं तो मेरी ये जो गाड़ी है ये लाइट से कंट्रोल्ड हो जाती है कि लाइट पड़ी तो बंद और लाइट पड़नी बंद हुई तो गाड़ी ज़्यादा तेज चलने लगती है। और इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं कि जब लाइट पड़े तो ज़्यादा तेज चले और अगर लाइट पड़नी बंद हो जाए तो जो है गाड़ी रुक जाए। उस सेंसर में अभी भी हल्की हल्की कहीं से लाइट पड़ रही है इसलिए जो है मोटर को अभी भी थोड़ा थोड़ा करंट मिल रहा है। पर अगर आपको ये बेसिक बात समझ में आ रही है कि हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की सरल परिभाषा है कि कोई एक सर्किट दूसरे सर्किट को कंट्रोल करता है, वो सर्किट जब हम अलग अलग किस्म के स्विचेस से कंट्रोल कर रहे थे तो हमें फिजिकली अब जो भी सर्किट को हम कंट्रोल कर रहे थे उसके पास होना पड़ता है। पर हम जब कोई सेंसर्स लगाने शुरू कर देते हैं, जैसे हमने पहले ये इंफ्रारेड सेंसर लगाया, तो उससे हम रिमोट कंट्रोल से इस गाड़ी को जो था वो कंट्रोल कर पा रहे थे। और बाद में हमने और किस्म के सेंसर लगाए जैसे कि ये साउंड सेंसर या लाइट सेंसर, और इससे ये जो मशीन थी ये स्वचालित होती जा रही है। स्वचालित मतलब हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, ये सेंसर्स कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर अगर हम इन सेंसर्स को और महीन प्रोग्राम करना चाहते हैं, फाइनली प्रोग्राम करना चाहते हैं कि इफ दिस हैपन्स देन डू दिस, जिस जो हम इफ देन एल्स लूप वगैरह की बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो वो हम कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज करते हुए। यही आज के दिन जो है जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन जो हो रहा है उसकी बुनियाद जो है वो यही सेंसर्स यही माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह हैं। और आगे वाले प्रकरणों में हम देखेंगे कि ये हम इनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और मज़ेदार चीज़ बनाने के लिए।